यार कान पूरा बंद हो गया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब इतना तेजी से लिफ्ट आता है, पूरा एकदम लग रहा है पहाड़ से कूद गए। अब पूरा कान बंद हो गया, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। सो ये बनेगा नेक्स्ट दुनिया का टॉलेस्ट टावर, जो कि है दुबई क्रिक। अभी कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा है और ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ये मॉल ऐसा है कि पूरा दिन घूम लोगे फिर भी ख़त्म नहीं कर पाओगे कि इतना बड़ा मॉल है। चलते चलते पेड़ का जो है छाले उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं कर पाओगे आप पूरा। तो हम लोग अभी आ गए एकदम परफेक्ट स्पॉट पर, जहाँ से जो है फाउंटेन शो बहुत ही अच्छा दिखता है और बुर्ज खलीफा का भी बहुत अमेजिंग व्यू आता है यहाँ से। और शो अभी कुछ ही देर में जो है स्टार्ट होगा, तो बस इंतज़ार चल रहा है अभी। और पूरा देख सकते हो पूरा तो माहौल यहाँ का एकदम चिल्ड वाइब्स है, एकदम चिल्ड। क्या दिस इज सो अमेजिंग, क्या बताएं। और इतना अच्छा है, मतलब म्यूजिक के साथ वो जो, और म्यूजिक इतना अच्छा है कि तुम ब्लिंक भी नहीं कर पाओगे, इतना अच्छा है कि इतना अच्छा, क्या बताएं। अमेजिंग फाउंटेन शो था, अभी भी फिर से देखने का मन कर रहा है सर। मेरे को लग रहा है हम लोग एक दो बार और देखेंगे यहाँ पर बैठ के जो है। और मैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में तो मैं देख ही नहीं पाया, तो रियल आई से जो है सर्च में, रियल आई से इतना ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन सर्च में हमारा तो मन भरा नहीं अभी तक। पहला वाला तो पूरा रिकॉर्डिंग में चला गया हमारा, तो मैं अभी जा रहे हैं हम लोग दुबई एक्वेरियम देखने के लिए, तो वहाँ से जो है फिर से आएंगे, फिर से आके 2 शो और देख के जाएंगे। पूरा टाइम लगा के जाएंगे आज, लेकिन फाउंटेन शो एक नंबर। सर्च में आप लोग वीडियो में जितना भी देख लो, रियल में इतना अच्छा लगता है, क्या सीरियसली सो अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो ये है दुबई एक्वेरियम, लुक एट दिस, मछली लगा है उड़ रहा है। Finally, we reached Dubai Aquarium and Dubai underwater tunnel aquarium, and look at this, how beautiful it is. Look at behind, so many fish. बाहर से भी दिखता है, लेकिन ये देखो यहाँ से कुछ अलग ही दिखता है। संगू बार बार बोलते पूछ वाला मछली, संगू को पूछ वाला मछली बहुत पसंद है। ये आगे संगू का पूछ वाला मछली आगे, दोनों दो आगे एक साथ। ये कितना सुंदर घूम रहा है ना, ये वो मार रहा है 360 मार रहा है। देखो सांस ले रहा है नीचे से, देखो इसका आँख आके मुँह। लेकिन ये जो है ना, ये टनल बहुत छोटा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट यहाँ तक खत्म। सच बताओ फ्रेंकली, इससे अच्छा हम लोग का चेन्नई का जो टनल था ना, वो बहुत अच्छा था। बहुत लंबा है। वो बहुत लंबा है और बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे मछलियाँ भी। अच्छा इधर भी कुछ कुछ है। ये हो गया अंडर वाटर जू। ये तो चेन्नई में भी सेम था, वही रेन फॉरेस्ट नहीं था, सेम ऐसा ही कुछ बना दिया यहाँ पर भी, और वही सब फिर से वही मछली, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, डिफरेंट डिफरेंट फिशेस है यहाँ पर, देख सकते हो। यहाँ से एक पुल है इधर से, लेकिन वाक है वो। ऊपर का रास्ता देखते हैं किधर से। चलो चलो, आवाज सुनाई दे रहा होगा पानी का आवाज। क्या है ये? कोई पंछी होगा, चिल्ला रहा है, बहुत डरा देना होगा। क्या हो गया? जैसे लग रहा है। ये हिल ही नहीं रहा है, लेकिन सांस ले रहा है, सांस ले रहा है। यहाँ पर तो एकदम अंधेरा छाया हुआ है, नाइट क्रीचर्स, सारा रात का जो है जानवर उधर होगा। अंधेरा, बाप रे, पूरा भूतिया एकदम डर लग। ये देखो कुछ कुछ है, ये देखो, ये कुछ इंटरेस्टिंग है, महक रहा है लेकिन। और यही वो पुल बता रहे थे, पुल बहुत हिल रहा है लेकिन। अरे धीरे धीरे आना। ओ भाई पूरा एकदम जंगल वाला फील आ गया। ओ भाई साहब मस्त लग रहा है लेकिन। ये देखो, इसको देखो, बैट चाहिए तुमको, पीना है बैट का जूस। बैट देख के मुझे कोरोना वायरस के अंदर है। ओ साला, बैट से दूर रहना भाई, टॉर्च मारना। ये देखो सारा चमगादड़, उल्टा। ये फ्रूट बैट्स। चलो 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 चलो, कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा खतरनाक गुफा जैसा बना दिया है। दिख नहीं रहा है कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा खतरनाक पत्थर बना दिया एकदम। अरे कुछ है गुफा के अंदर, जेंट्स टॉयलेट भी है गुफा के अंदर, टॉयलेट भी है। एक बार गुफा का टॉयलेट देख के आते हैं। तुम भी ना, गुफा में तो बहुत ही अच्छा टॉयलेट है, जंगल में ऐसा भी टॉयलेट होता है क्या? अच्छा लगा मुझे। कितना बड़ा मगरमच्छ, मियाँ बीवी। डिस्टर्ब करके फायदा नहीं है इन लोग को, चलते हैं। नहीं ठीक ठाक ही है एक्चुअली। हम लोग चेन्नई में यहाँ पे रिसेंटली देख कर आया ना, इसलिए हम लोग को इतना अच्छा खास नहीं लग रहा है। तो चेन्नई वाला भी इतना ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और हम लोग जो है फिर से आ गए वो सेम जगह पर, एंड फिर से अभी जो है अच्छे से मैं देखूँगा बैठ के, जो पूरा एंजॉय करूँगा एकदम। और फिर से जो बहुत सारे लोग, हर आधे घंटे में जो है शो चलता रहता है, रात को 11 बजे तक चलता रहता है। और ये जो है अभी तक का बेस्ट था तीनों में से, भाई साहब गूस बम, दिस वाज द बेस्ट तीनों में से। मस्त था, उसको म्यूजिक भी इतना अच्छा है, म्यूजिक और फाउंटेन्स के साथ जो है गूस बम हो गया। बस हम लोग लास्ट 1.5 घंटे से यहीं पे बैठे हुए हैं और कंटिन्यूस देख रहे हैं। अभी हम लोग पहुंचे हैं होटल और हम लोग बहुत थक गए हैं और आज का दिन इतना अमेजिंग था। फाउंटेन शो 3 बार देख के हम लोग इवन बुर्ज खलीफा भी ऐसा जगह था कि जहाँ पर मतलब थोड़े टाइम अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके बाद वो भी बोर लगना स्टार्ट हो गया था। लेकिन फाउंटेन शो एक नंबर था, मतलब एक के बाद एक जो शो हो रहा था ना और भी अच्छा हो रहा था वो, तो कंटिन्यूस हम लोग देख ही रहे थे और मन ही नहीं भर रहा था। हम लोग नहीं और बैठते हैं और दो शो देख के आना चाहिए था पूरा लास्ट तक पूरा रात भर बैठे रहो। सहज में आपको इतना अच्छा लग रहा है, पता ही नहीं चलता आधा घंटा करके 3 घंटा हम लोग जो है वहाँ पे गुजार लिए, बहुत अच्छा था। अगर वीडियो यहाँ तक अगर पसंद आया प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर, बाय बाय।